हेलो एवरीवन, लास्ट वीडियो में हमने गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन को कंप्लीट कर लिया था। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन इन अ रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसके अंदर हम टू डायमेंशनल एनालिसिस और थ्री डायमेंशनल एनालिसिस को करेंगे। आज हम सबसे पहले 2D एनालिसिस करेंगे, यानी कि सिर्फ दो एक्सेस एक्स और वाई को लेकर के अगर कोई फ्रेम दूसरी फ्रेम के रेस्पेक्ट में रोटेट कर रही है तो उसमें ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन क्या बनेगी, उस चीज़ को हम स्टडी करेंगे। इसके लिए हम मान लेते हैं कि एक फ्रेम एस जो है वो स्टेबल है। हम सिर्फ दो एक्सेस के बारे में बात कर रहे हैं, तो एक फ्रेम एस जो है वो स्टेबल है और दूसरी एक फ्रेम एस डैश है जो कि इसके रेस्पेक्ट में रोटेट कर रही है। ओके, एक फिक्स वेलोसिटी से क्या कर रही है, रोटेट कर रही है ओमेगा वेलोसिटी से। तो उसको हम इस तरह से रोटेट कर रहे हैं कि इसका जो ये ओरिजिन है वो एकदम संपाती रहे, यानी ओरिजिन चेंज नहीं होना चाहिए, ओरिजिन वहीं का वहीं होना चाहिए, बस वो जो दूसरी फ्रेम होगी वो इसके रेस्पेक्ट में इस तरीके से रोटेट कर रही होगी। तो सबसे पहले हम बारी बारी करके सबसे पहले पोजीशन के लिए या स्थिति के लिए रूपांतरण समीकरण निकालेंगे, फिर उसके बाद विस्थापन के लिए, फिर उसके बाद यानी कि डिस्प्लेसमेंट के लिए, फिर वेलोसिटी के लिए और फिर एक्सीलरेशन के लिए ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस को निकालेंगे। ओके, तो हम मान लेते हैं कि ये एक फ्रेम एस है। ओके, और ये इसका जेड एक्सिस है और ये इसका ओरिजिन है, और दूसरी फ्रेम एक एस डैश जो कि इस तरह से मूव कर रही है कि उसका जो जेड एक्सिस है वो हमेशा इसी के जेड एक्सिस को कोइंसाइड करेगा, यानी उन दोनों का जेड एक्सिस जो है वो कॉमन रहेगा। सिर्फ एक्स और वाई एक्सिस को हम क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे, क्योंकि जेड एक्सिस वैसे भी इस तरह से पेपर से बाहर की तरफ होता है, तो उसको कांस्टेंट रखते हुए सिर्फ इनके एक्स और वाई एक्सिस को हम इस तरह से रोटेट कर रहे हैं। ठीक है, तो एक दूसरी फ्रेम एस डैश है जो किसी टाइम टी पर रोटेट होने के बाद इस फ्रेम से थीटा एंगल बनाती है। तो ये इस फ्रेम का एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, और दूसरी एक फ्रेम है जो कि ओमेगा वेलोसिटी से मूव कर रही है, रोटेट हो रही है, तो वो इस तरह से हो जाएगी। ओके, यानी कि ये फ्रेम पहले इसी के ऊपर कोइंसाइड थी, वो रोटेट होकर के इस तरह से हो गई, और कितना एंगल रोटेट हुई, थीटा एंगल। ओके, या तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा। अब हम मान लेते हैं कि एक पॉइंट पी है, इसको हमने पॉइंट पी मान लिया। ओके, तो सबसे पहले एस फ्रेम में इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, आप इस फ्रेम को कुछ देर के लिए भूल जाइए, तो एस फ्रेम में इसके कोऑर्डिनेट्स एक्स कॉमा वाई होंगे। तो ये जो डिस्टेंस होगी परपेंडिकुलर, वो डिस्टेंस कितनी होगी, एक्स, और ये वाली जो डिस्टेंस होगी वो डिस्टेंस होगी y। ओके, इस पॉइंट को हम a नाम दे देते हैं, इस पॉइंट को हम b नाम दे देते हैं। अब अगर मैं इसको s डैश फ्रेम के रेस्पेक्ट में देखूँ तो ये इसका x डैश एक्सिस हो जाएगा और ये इसका y डैश एक्सिस हो जाएगा। तो इसी p के जो कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे इस डैश वाली फ्रेम में वो क्या हो जाएंगे, x डैश कॉमा y डैश। तो ये वाली जो डिस्टेंस होगी ये बनेगी y डैश, और इसी तरह से ये वाली जो डिस्टेंस होगी वो बनेगी x डैश। अब हम सबसे पहले निकालेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पोजीशन। कुल मिलाकर के हमें निकालनी है x डैश, y डैश और z डैश की वैल्यू इन द टर्म्स ऑफ x एंड y। ओके, जेड डैश तो वैसे चेंज ही नहीं हो रहा है, तो जेड डैश का ट्रांसफॉर्मेशन कुछ भी नहीं बनेगा। हमें बेसिकली एक्स डैश और वाई डैश की वैल्यू निकालनी है एक्स और वाई की टर्म्स में। ओके, ये वाली जो चीज़ है ये कितनी है हमारी, वाई है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले तो इनकी वैल्यूज ये किससे मिलकर के बन रहे उस चीज़ को देखेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको भी हम कुछ नाम दे देते हैं, जैसे हमने इसको ए और बी दिया था, इसको हम नाम दे देते हैं सी और इसको नाम दे देते हैं डी। अब हम ए से इस वाले लाइन पर एक परपेंडिकुलर डालेंगे, यानी लंब डालेंगे। ठीक है, ऐसा हम क्यों कर रहे हैं वो आपको आगे जाकर के समझ में आ जाएगा आगे के डेरिवेशन में। तो मैंने क्या किया, ए लाइन से इस लाइन पर क्या डाला, परपेंडिकुलर डाला। तो क्योंकि ये दोनों लाइन्स पैरेलल है तो ये इस पर भी परपेंडिकुलर होगा। इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं ई और इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं एफ।
ठीक है, अब देखिए जो x डैश है वो किसके किसके बराबर है। तो x डैश जो है वो क्या है, डी पी। एक्स डैश क्या है, डी पी, और डी पी किसके बराबर है, डी एफ और एफ पी। ओके, डी पी किसके बराबर है, डी एफ प्लस एफ पी के बराबर है। ओके, अब देखिए हमने ये परपेंडिकुलर क्यों डाला था, ये देखिए ये जो डी ई हो जाएगी, ठीक है ना, वो ओ ई के बराबर हो जाएगी। ये देखिए ये एक रेक्टेंगल बन रहा है, एक आयत बन रहा है, तो जो डी ई है वो किसके बराबर हो जाएगी, डी एफ है सॉरी, वो किसके बराबर हो जाएगी, ओ ई के बराबर हो जाएगी। तो इसकी जगह पर हम लिख लेते हैं ओ ई प्लस एफ पी। अब देखिए यहाँ पर ओ ई की वैल्यू हम इस ट्राइंगल से निकाल सकते हैं और एफ पी की वैल्यू हम इस वाले ट्राइंगल से निकाल सकते हैं। इसको मैं अलग से डिटेल में समझाऊंगी, पहले हम लिख लेते हैं कि किसकी वैल्यू क्या आएगी। ओके, इसी तरह से मैं वाई डैश को यहाँ पर लिख देती हूँ इस डायग्राम के पास में ही, ताकि हमें समझने में आसानी होगी। जो वाई डैश है वो क्या है, ये वाली चीज़ है वाई डैश। तो y डैश किसके बराबर है, यहाँ पर देखिए इसके बराबर है, ये जो y डैश है ये इसके बराबर है, एफ ई के बराबर है। ओके, तो y डैश जो है वो एफ ई या ई एफ के बराबर है। और ये ई एफ किस से हम निकाल सकते हैं, ई एफ हम निकाल सकते हैं ए एफ माइनस ए ई। ओके, कैसे निकाल सकते, सॉरी, ए एफ माइनस ए ई, यहाँ से हम निकाल सकते हैं इस चीज़ की वैल्यू। इस पूरे पोर्शन में से ये पोर्शन अगर मैं हटा दूँ तो मुझे ये चीज़ मिलेगी। तो इसको मैं क्या लिख लूँगी, ए एफ माइनस ए ई। ए एफ हम इस वाले ट्राइंगल से निकाल सकते हैं और ए ई को हम इस वाले ट्राइंगल से निकाल सकते हैं। तो इसको हम पहले निकालेंगे, मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा क्लियरली यहाँ पर फिर से बना देती हूँ बड़ा करके। उसमें मैं क्या बना रही हूँ, ये है हमारा ओरिजिन पॉइंट ओ, ये है हमारा ए, ओके, और ये हमारा पॉइंट पी है। यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो वाई है, ठीक है, और ये हमारा एक्स डैश एक्सिस है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ठीक है ना। और हमने क्या किया है, ये पॉइंट पी से इसकी जो डिस्टेंस हो जाएगी ये हो जाएगी वाई डैश, ये है हमारा पॉइंट सी, ठीक है ना। और ए से हमने क्या डाला है, एक परपेंडिकुलर डाला है, यहाँ से जो लाइन जा रही है ये है हमारी एक्स डैश, हमने ए से एक परपेंडिकुलर डाला है इसके ऊपर। ये पॉइंट है हमारा एफ, ये पॉइंट है ई, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये वाला एंगल हमारे पास थीटा है, ठीक है ना। ये हो गई एक्स डैश की वैल्यू, जो कि मैंने आपको क्या बताई है, ओ ई प्लस एफ पी के बराबर है। किसके बराबर है, ओ ई प्लस एफ पी। अब आप ध्यान से देखिए इस वाले ट्राइंगल में, ठीक है, ये कौन सा ट्राइंगल की बात कर रही हूँ मैं, इन ट्राइंगल ओ ए ई, ये जो ओ ए ई वाला ट्राइंगल है, ठीक है, इस ओ ए ई वाले ट्राइंगल में अगर ये एंगल 90 है तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। इसका मतलब बचे हुए दो एंगल्स का सम कितना होगा, 90 डिग्री। तो इसको मैं एंगल 1 नाम दे देती हूँ, इसको नाम दे देती हूँ एंगल 2। तो मुझे ये पता है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना होगा, 90 डिग्री, क्योंकि ट्राइंगल में टोटली 180 डिग्री होता है। तो अगर ये एंगल 90 हो गया तो बचे हुए दोनों का सम कितना होगा, 90 डिग्री। ओके, इसी तरह से हमें ये भी पता है कि ये वाली जो लाइन है ये इस पर परपेंडिकुलर होगी। इस एंगल को मैं 3 नाम दे देती हूँ, ठीक है, ये वाला जो एंगल है हमारा, इसको मैंने 3 नाम दे दिया। ये पूरा एंगल 90 का है, यानी 2 प्लस 3 कितना होगा, कुल मिला करके 90 होगा। तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 भी कितना है, 90 डिग्री, ठीक है। अगर इन दोनों इक्वेशंस को मैं इक्वल करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 2 प्लस 3, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। अब ये एंगल 1 कितना था, थीटा, यानी ये वाला कोण भी कितना हो जाएगा, थीटा, ठीक है। ये वाला एंगल 3 भी कितना हो जाएगा, थीटा। इसको मैं फिर से थोड़ा क्लियरली बना रही हूँ, यहाँ पर ये इस तरह से है, ये देखिए इस तरह से, ठीक है। ये वाला जो है थीटा एंगल है ओ ए, ये वाला एंगल भी क्या है, थीटा एंगल है। ये एंगल कितना है, 90 डिग्री, ओके,
और ये एंगल भी कितना है, ये लाइन कुछ इस तरह से है, ये एंगल भी कितना है 90 डिग्री है, ठीक है ना। और यहाँ पर नाम है E, यहाँ पर नाम है F और यहाँ पर नाम है P। अब मैं क्या करूँगी, ट्रिग्नोमेट्रिक रूल्स लगाऊँगी। मुझे निकालना क्या क्या है, मुझे इस ओ ई की वैल्यू चाहिए और इस एफ पी की वैल्यू चाहिए। तो ओ ई को निकालने के लिए मैं इस वाले ट्राइंगल में, ट्राइंगल ओ ए ई में क्या लगाऊंगी, ट्रिग्नोमेट्री लगाऊंगी। तो इन ट्राइंगल ओ ए ई, अब आप देखेंगे ये एंगल थीटा है और ये 90 डिग्री है, तो ये आपका आधार हो जाएगा यानी बेस हो जाएगा। आपको निकालना क्या है, आधार निकालना है, बेस निकालना है, ठीक है। तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, कॉस थीटा का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, आधार अपॉन कर्ण, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस आपका कितना है OE, और ये जो हाइपोटेनियस है ये चीज OA, ये OA किसके बराबर है, हमारा मेन डायग्राम देखिए, ये OA किसके बराबर है, X के बराबर, किसके बराबर है, X के बराबर है ना, ये डिस्टेंस कितनी होती है, X होती है। तो इसकी जगह में मैं लिखूंगी OA, तो मुझे क्या मिलेगा, cos थीटा इज इक्वल टू OE अपॉन X। तो मुझे X OE की वैल्यू क्या मिलेगी, X cos थीटा। तो मैंने निकाल ली है इस OE की वैल्यू। अब मुझे निकालनी है FP की वैल्यू, तो FP की वैल्यू मैं इस वाले ट्राइंगल से निकालूंगी, ए एफ पी से, कौन से ट्राइंगल से निकालूंगी, ए एफ पी से। अब इसमें ये एंगल 90 है, ये एंगल थीटा, यानी ये बेस हो गया, ये बेस हुआ तो ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर या फिर लंब हो गया। अब मुझे लंब निकालना है, यानी कि मुझे किसका फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, साइन थीटा का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो इन ट्राइंगल कौन सा यूज़ कर रही हूँ मैं, एफ ए पी। इस ट्राइंगल में क्या हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ पी अपॉन क्या हो जाएगा, ए पी। अब ये जो ए पी डिस्टेंस है ये किसके बराबर है, जो हमारा मेन डायग्राम है उसमें देखो, ये जो ए पी डिस्टेंस है वो किसके बराबर है, वाई के बराबर है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एफ पी अपॉन वाई। तो मुझे एफ पी की वैल्यू क्या मिलेगी, वाई साइन थीटा, ठीक है। तो जो हमारी ये फर्स्ट इक्वेशन थी एक्स डैश, वो क्या थी, ओ ई प्लस एफ पी। तो मुझे एक्स डैश क्या मिलेगा, ओ ई प्लस एफ पी। ओ ई मेरे पास आया है एक्स कॉस थीटा और एफ पी हो जाएगा मेरा वाई साइन थीटा। ये हुई मेरी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी तरह से मैंने वाई डैश क्या लिखा था, यहाँ पे देख लो, वाई डैश मैंने लिखा था ए एफ माइनस ए ई, यानी कि ये देखो इस वाले डायग्राम में ये चीज़ निकालनी है मुझे, ए एफ। तो इस ट्राइंगल में ये ए एफ क्या है, बेस है, बेस निकालने के लिए मुझे क्या लगाना होता है, कॉस थीटा, ठीक है ना। तो कौन से ट्राइंगल की बात करी हूँ मैं, एफ ए पी। तो इस एफ ए पी ट्राइंगल में पहला स्टेप ये हो गया, दूसरा स्टेप क्या हो जाएगा, इन एफ ए पी कॉस थीटा कितना हो जाएगा, कॉस थीटा होता है आधार अपॉन कर्ण, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस कितना है आपका, एफ ए अपॉन हाइपोटेनियस, ये चीज क्या थी, ए पी किसके बराबर था, वाई के बराबर था, ठीक है। तो अपॉन में क्या हो जाएगा, बेस यानी कि ए पी। तो क्या हो जाएगा, एफ ए अपॉन वाई इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो इससे मुझे एफ ए की वैल्यू क्या मिलेगी, वाई कॉस थीटा। इसी तरह से ए एफ की वैल्यू मुझे मिल गई, एफ ए या ए एफ की वैल्यू। अब मुझे चाहिए ए ई की वैल्यू, ओके, किसकी वैल्यू चाहिए, ए ई की वैल्यू। ए ई की वैल्यू कहाँ से मिलेगी, देख लो, ए ई की वैल्यू मुझे इस वाले ट्राइंगल से मिलेगी। कौन सा ट्राइंगल है ये, ओ ई ए या ओ ए ई, इस वाले ट्राइंगल से मुझे मिलेगी। अब इसमें ओ ई क्या है, बेस है, सॉरी, मुझे किसकी वैल्यू चाहिए थी, ए ई की वैल्यू चाहिए, ए ई यानी परपेंडिकुलर की वैल्यू चाहिए। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू चाहिए, इसका मतलब मुझे किसका फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, यानी कि ए ई अपॉन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस का क्या मतलब है, ओ ए। अब ये जो ओ ए है ये किसके बराबर है, एक्स के बराबर है, तो मुझे इससे क्या मिलेगा, ए ई अपॉन एक्स। तो इससे मुझे ए ई की वैल्यू मिलेगी एक्स साइन थीटा। कुल मिलाकर के मैंने क्या किया है, ये जो दो ट्राइंगल्स हैं इन दोनों में एक बार साइन थीटा लगाया, एक बार कॉस थीटा लगाया, एक बार साइन थीटा लगाया, एक बार कॉस थीटा लगाया। इस तरह से मुझे जो जो टर्म्स चाहिए थी मैंने उन टर्म्स की वैल्यू को कैलकुलेट कर दिया, ठीक है। अब वाई डैश इज इक्वल टू क्या है मेरे पास, ए एफ माइनस ए ई। अब ए एफ मेरे पास कितना आया है ये देखो, यहाँ
यहाँ पर आया है AF, AF इज इक्वल टू Y cos थीटा, ठीक है। तो AF की जगह पर मैं लिखूँगी Y cos थीटा, और AE कितना आया है, AE मेरे पास आया है X sin थीटा, इसकी जगह पर मैं लिख दूँगी X sin थीटा। ये हो गई मेरे पास Y डैश की वैल्यू। ओके, हमने क्या क्या निकाल लिया, X डैश निकाल लिया और Y डैश को हमने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। अब इसका जो Z एक्सिस है वो चेंज नहीं हो रहा है, यानी Z डैश जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, Z के बराबर। ये कंप्लीट हो गया ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पोजीशन। हमारा अगला टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी कि विस्थापन का रूपांतरण। तो उसके लिए हमें क्या करना है, जो हमने x डैश, y डैश और z डैश, ठीक है, विस्थापन का क्या मतलब होता है, इसमें कितना चेंज हुआ, तो हमें बेसिकली क्या निकालना है, dx डैश, dy डैश और dz डैश। तो हम कुछ भी नहीं करेंगे, ये जो हमारी तीन इक्वेशंस है इसको हम क्या कर देंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन 1, 2 एंड 3। तो इससे मुझे क्या मिलेगा, dx डैश। अब यहाँ पर ये क्या है, अब देखो जो थीटा है वो किसके बराबर होगा, थीटा, देखो ओमेगा जो होती है वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी या कोणीय वेग, वो किसके बराबर होती है, थीटा अपॉन टी के बराबर होती है। तो जो थीटा हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, ओमेगा टी के बराबर हो जाएगा। तो इससे मुझे इक्वेशन क्या मिलेगी, सबसे पहले तो एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स कॉस ओमेगा टी प्लस वाई साइन ओमेगा टी। ओके, थीटा की जगह पर मैंने क्या रख लिया, ओमेगा टी। अब जब मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूंगी तो यहां पर दो वेरिएबल फंक्शन है, ठीक है, दोनों ही वेरिएबल है, ठीक है ना। तो इनका क्या होगा, 1 u डॉट v वाला जो रूल होता है, मल्टीप्लाई वाला रूल, उससे हम इसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन। तो इससे मुझे dx डैश क्या मिलेगा, एक बार x को मैं रख लेती हूँ कांस्टेंट, और cos थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस का sin थीटा, तो हो जाएगा माइनस का साइन ओमेगा टी। फिर इस थीटा का फिर से होगा तो डॉट क्या हो जाएगा, ओमेगा, ठीक है। और ये किसके रेस्पेक्ट में किया है मैंने, टी की रेस्पेक्ट में, तो साथ में क्या आ जाएगा, डी टी। अब दूसरी बार में मैं इसको कांस्टेंट रखूँगी, कॉस ओमेगा टी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, और एक्स का डिफरेंशिएशन करूँगी तो क्या हो जाएगा, डी एक्स, ठीक है। इसी तरह से इस टर्म का जब मैं डिफरेंशिएशन करूँगी तो एक बार मैं वाई को एक बार मैं साइन ओमेगा टी को क्या रख लेती हूँ, कांस्टेंट रख लेती हूँ, तो y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा डी वाई। दूसरी बार में मैं क्या करूँगी, जब y को कांस्टेंट रखूँगी तो साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस ओमेगा टी डॉट ओमेगा, इसका फिर से होगा तो ओमेगा का हो जाएगा ओमेगा और t का हो जाएगा, और क्योंकि मैं t की रिस्पेक्ट में कर रही हूँ तो क्या हो जाएगा, डी टी, ठीक है। अब हम इसको अरेंज कर लेते हैं, तो इसमें से आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर भी ओमेगा डी टी है और यहाँ पर भी ओमेगा डी टी है, तो इन दोनों टर्म्स में से मैं ओमेगा डी टी को क्या कर सकती हूँ, कॉमन ले सकती हूँ। तो इनको मैं लिख लेती हूँ ओमेगा, फिर ये हो जाएगा कॉस ओमेगा टी माइनस साइन ओमेगा टी इंटू डी टी, सॉरी एक्स y cos ओमेगा t और x sin ओमेगा t dt। ये देखो x sin ओमेगा t माइनस का और y cos ओमेगा t प्लस का, दोनों में से dt कॉमन ले लिया और ओमेगा कॉमन ले लिया। अब पीछे क्या बचा मेरे पास, पीछे बचा cos ओमेगा t dx प्लस sin ओमेगा t dy। ये चीज़ मैंने कर ली। अब ये किसकी वैल्यू है, ये जो है y cos ओमेगा t x sin ओमेगा t, ये किसकी वैल्यू है, ये y डैश की वैल्यू है, y cos ओमेगा t माइनस x sin ओमेगा t, ये किसकी वैल्यू है, y डैश की वैल्यू है, ठीक है। पुटिंग वैल्यू ऑफ y डैश, तो मुझे क्या मिलेगा, डी एक्स डैश इज इक्वल टू, इन दोनों को हम आगे लिख लेते हैं, cos ओमेगा t dx प्लस sin ओमेगा t प्लस साइन ओमेगा टी डी वाई है, ठीक है। इसके बाद मिलेगा ओमेगा और ये चीज़ क्या बन जाएगी, वाई डैश, और ये हो जाएगा डी टी, यानी ओमेगा वाई डैश डी टी। तो ये मुझे किसकी वैल्यू मिली, एक्स डैश की वैल्यू मिली, ठीक है। इसको हम बना लेते हैं हमारा इक्वेशन नंबर 4। इसी तरह से हम डी वाई डैश करेंगे, यानी अब हमें इस वाली इक्वेशन का क्या करना है, डिफरेंशिएशन। तो पहले मैं लिख लेती हूँ वाई डैश इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, वाई कॉस ओमेगा टी माइनस एक्स साइन ओमेगा टी। जब मैं इसका डिफरेंशिएशन करूँगी तो वही 1, 2 लगा करके मुझे करना है। एक बार वाई को कॉन्स्टेंट रखूँगी तो माइनस साइन ओमेगा टी, फिर हो जाएगा ओमेगा डी टी, ठीक है। प्लस एक बार मैं कॉस ओमेगा टी को कांस्टेंट रखूंगी तो हो जाएगा डी वाई। इसी तरह से माइनस एक्स को कांस्टेंट रखूंगी तो मिलेगा साइन ओमेगा टी का हो जाएगा कॉस ओमेगा टी, और फिर हो जाएगा ओमेगा डी टी,
ठीक है ना। और फिर इसके साथ हो जाएगा प्लस करूँगी, अब की बार मैं साइन ओमेगा टी को कांस्टेंट रखूँगी तो ये हो जाएगा डी एक्स। ठीक है, अब इस ब्रैकेट को ओपन करके और इनको रीअरेंज कर लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी ओमेगा डी टी है, यहाँ पर भी ओमेगा डी टी है, दोनों में से क्या ले लेंगे हम, कॉमन ले लेंगे। ओके, दोनों ही माइनस की टर्म्स है तो दोनों में से माइनस का ओमेगा कॉमन आएगा। देख लो, ये भी माइनस की है, ये भी माइनस की है, माइनस का ओमेगा कांस्टेंट ये कॉमन ले लेते हैं तो क्या बन रहा है, वाई साइन ओमेगा टी प्लस x cos ओमेगा t इंटू और dt, दोनों में से क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। अब बचा क्या, ये वाली टर्म और माइनस ये वाली टर्म, ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। तो हमें मिलेगा cos ओमेगा t dy माइनस sin ओमेगा t dx। ओके, अब ये किसकी वैल्यू है, ये हमारी x डैश की वैल्यू है। ठीक है, किसकी वैल्यू है, x डैश। तो यहाँ पर हम लगा लेंगे वैल्यू ऑफ x डैश, तो मुझे मिलेगा dy वाई डैश इज इक्वल टू कॉस ओमेगा टी डी वाई माइनस साइन ओमेगा टी डी एक्स। ओके, फिर माइनस ओमेगा एक्स डैश डी टी। ठीक है, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 5। किसकी इक्वेशन हो गई, ये डी वाई डैश। और जेड क्या था हमारा, जेड डैश इज इक्वल टू जेड, तो डिफ्रेंशिएशन करने के बाद भी हमें क्या मिलेगा, डी जेड डैश इज इक्वल टू डी जेड। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 6। और यहाँ हमारा ख़त्म हुआ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, जिसमें डी एक्स डैश की ये वैल्यू आई, डी वाई डैश की ये वैल्यू आई और डी जेड डैश की ये वैल्यू आई। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, अभी हमने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ये डिस्प्लेसमेंट किया, जिसमें हमने डी एक्स डैश डी वाई डैश और डी जेड डैश की ये वाली वैल्यूज़ को कैलकुलेट किया। वेलोसिटी का क्या मतलब होता है, डी एक्स डैश अपॉन, यानी वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, तो या फिर चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम, है ना। तो अगर आपके पास चेंज इन डिस्प्लेसमेंट या फिर डी एक्स डैश की वैल्यू है, उसको हम क्या कर देंगे, पूरी इक्वेशन को डी टी से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है ना, तो ये हमारी इक्वेशन थी 4, 5 और 6। तो हम क्या करेंगे, डिवाइड इक्वेशन 4, 5 एंड 6 बाय डी टी। सिंपल, मुझे सिर्फ इस पूरी इक्वेशन में डी टी का डिवाइड करना है तो मुझे वेलोसिटी मिल जाएगी। तो डी एक्स डैश अपॉन डी टी ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा वी एक्स के बराबर। ठीक है, या फिर इसको हम लिख लेते हैं यू एक्स डैश से, है ना। इसको यू लिखो वी लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन बुक में यू एक्स लिखा हुआ है और ये डैश वाली टर्म है, तो ये हो जाएगा यू एक्स डैश। तो वेलोसिटी क्या बनेगी, अब उसके बाद आगे हम इस तरफ से डिवाइड करते हैं तो क्या बनेगा, देखिए डी एक्स अपॉन डी टी, ठीक है ना, यहाँ हो जाएगा कॉस ओमेगा टी माइनस डी वाई अपॉन डी टी, यहाँ हो जाएगा साइन ओमेगा टी। ठीक है, प्लस ओमेगा वाई डैश, डी टी अपॉन डी टी कट करके क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, यानी डी टी से डी टी कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा ओमेगा वाई डैश। अब हमने डी एक्स डैश अपॉन डी टी को यू एक्स डैश लिखा है और डी एक्स अपॉन डी टी क्या हो जाएगा, यू एक्स हो जाएगा और ये चीज़ क्या हो जाएगी, यू वाई। तो मुझे यू एक्स डैश की ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन मिलेगी यू एक्स कॉस ओमेगा टी माइनस यू वाई साइन ओमेगा टी प्लस ओमेगा वाई डैश। इसको मैं बना लेती हूँ इक्वेशन नंबर 7। ठीक है, इसी तरह से हम डी वाई डैश वाली इक्वेशन को भी पूरा टी से डिवाइड करेंगे तो मुझे मिलेगा यू वाई डैश इज इक्वल टू डी वाई डैश अपॉन डी टी, सेम टू सेम क्या मिल जाएगा, डी वाई अपॉन डी टी कॉस ओमेगा टी माइनस डी एक्स अपॉन डी टी साइन ओमेगा टी। ओके, माइनस ओमेगा एक्स डैश और डी टी से डी टी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इस इक्वेशन को मैं क्या लिख सकती हूँ, यू वाई डैश इज इक्वल टू यू वाई कॉस ओमेगा टी माइनस यू एक्स साइन ओमेगा टी माइनस ओमेगा एक्स डैश। ओके, ये क्या हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 8। और इस इक्वेशन को जब हम दोनों तरफ डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा, डी जेड डैश अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी जेड अपॉन डी टी। ठीक है, तो इससे हमें मिलेगा यू जेड डैश इज इक्वल टू यू यू जेड और ये हमारी हो जाएगी इक्वेशन नंबर 9। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेलोसिटी। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सेलरेशन। हमने ये वेलोसिटी के लिए ट्रांसफॉर्मेशन देख लिए और उससे हमें ये 3 इक्वेशन मिली। अब एक्सेलरेशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी। तो हम इन तीनों इक्वेशंस का डीटी के रेस्पेक्ट में टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर लेंगे तो हमें एक्सेलरेशन मिल जाएगा। ठीक है, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू
टी, ठीक है। तो पहली वाली टर्म को अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा डी बाई डी टी ऑफ यू एक्स डैश इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ यू एक्स, इसको हम रख लेंगे कॉन्स्टेंट, ठीक है। दूसरी बार हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे और यू एक्स को कॉन्स्टेंट रख लेंगे तो हमें मिलेगा माइनस का साइन ओमेगा टी डॉट ओमेगा, ठीक है। प्लस इसको हम करेंगे तो डी यू वाई अपॉन डी टी, साइन ओमेगा टी को हम रख लेंगे कॉन्स्टेंट, प्लस साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस ओमेगा टी डॉट ओमेगा और यू वाई हमारा हो जाएगा कॉन्स्टेंट, प्लस ओमेगा कॉन्स्टेंट है और ये हो जाएगा डी वाई डैश अपॉन डी टी, ओके। तो इससे हमें क्या मिलेगा, हम देख लेते हैं, यहाँ पर भी हमें मिल रहा है ओमेगा और यहाँ पर भी हमें मिल रहा है ओमेगा, दोनों में से ओमेगा को हम क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो पहले इसको देख लेते हैं, डी यू डैश यू एक्स डैश अपॉन डी टी क्या हो जाएगा, ए एक्स डैश इज इक्वल टू, ये टर्म हो जाएगी हमारी ए एक्स यानी एक्सेलरेशन का एक्स कॉम्पोनेंट कॉस ओमेगा टी, ठीक है। और यहाँ से हमें मिलेगा ये वाली टर्म मिल जाएगी हमारी प्लस का ए वाई साइन ओमेगा टी, उसके बाद इन दोनों में से हमारा क्या आ जाएगा, ओमेगा कॉमन आ जाएगा, एक ये वाली टर्म और एक ये वाली टर्म, तो दोनों में से हमने ओमेगा को अगर कॉमन लिया तो यहां पर बचेगा कॉस ओमेगा टी यू वाई कॉस ओमेगा टी माइनस यू एक्स साइन ओमेगा टी, ओके। और लास्ट में हमारे पास बचेगा ओमेगा और यहाँ पर बनेगा डी वाई डैश अपॉन डी टी, तो ये बन जाएगा हमारा यू वाई डैश, ओके। इस इक्वेशन को हम अरेंज कर लेते हैं, यू वाई कॉस ओमेगा टी माइनस यू एक्स साइन ओमेगा टी, ठीक है, यू वाई कॉस ओमेगा टी माइनस यू एक्स साइन ओमेगा टी, ठीक है। ये किसके बराबर होता है, देख लीजिए, इसकी वैल्यू हम यहाँ से रख लेंगे तो यहाँ से इस वाली इक्वेशन से इस टर्म की वैल्यू मिलेगी। अगर हमें इस चीज़ की वैल्यू चाहिए तो ये जो चीज़ यहाँ माइनस में है ये इसके पास प्लस में आ जाएगी, तो मुझे क्या मिलेगा, ए एक्स डैश इज इक्वल टू ए एक्स कॉस ओमेगा टी प्लस ए वाई साइन ओमेगा टी, यहाँ से मुझे ओमेगा कॉन्स्टेंट निकाला है और इस टर्म की जो वैल्यू है, इस वाले टर्म की वैल्यू, वो मुझे यहाँ से मिलेगी यू वाई डैश प्लस ओमेगा एक्स डैश यहाँ से, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख लूँगी यू वाई डैश प्लस ओमेगा एक्स डैश, यहाँ पर मैं ब्रैकेट में लिख लेती हूँ फ्रॉम इक्वेशन एट, ओके, यहाँ मैंने लिखी है फ्रॉम इक्वेशन एट प्लस ओमेगा यू वाई डैश, ओके। अब यहाँ भी देखो ओमेगा यू वाई डैश और यहाँ पर भी ओमेगा यू वाई डैश, दोनों ऐड होकर के टू ओमेगा यू वाई डैश हो जाएंगे, तो ए एक्स डैश इज इक्वल टू ए एक्स कॉस ओमेगा टी प्लस ए वाई साइन ओमेगा टी प्लस टू ओमेगा यू वाई डैश प्लस ओमेगा एक्स डैश, ये चीज़ हो जाएगी, ठीक है। ओमेगा स्क्वायर एक्स डैश, एक ओमेगा यहाँ पर है, एक ओमेगा इसमें से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर एक्स डैश। इसी तरह से हम इस यू वाई डैश वाली टर्म का भी क्या करेंगे, सेम टू सेम डिफरेंशिएशन करेंगे और उसमें यहाँ से यू एक्स डैश वाली टर्म से क्या रख लेंगे, वैल्यू रख लेंगे। तो मैं डायरेक्टली कर रही हूँ, इसका डिफरेंशिएशन आप लोगों को खुद करना है। तो ए वाई डैश की हमें क्या वैल्यू मिलेगी, ए वाई डैश इज इक्वल टू ए वाई कॉस ओमेगा टी माइनस ए एक्स साइन ओमेगा टी माइनस का टू ओमेगा यू एक्स डैश, ओके, और प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई डैश। ये चीज़ माइनस में क्यों आई है, क्योंकि यहाँ पर ये वाली टर्म प्लस में है, तो जब आप इसको इधर की तरफ शिफ्ट कर देंगे तो ये माइनस में आ जाएगी, है ना, वैल्यू रखेंगे जब आप, तो सेम टू सेम हमें ए एक्स डैश और ए वाई डैश की वैल्यू मिल गई और ए जेड डैश जो है वो ए जेड के बराबर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर यू जेड डैश जो है वो यू जेड के बराबर है, ओके। तो ये तीन इक्वेशन मिली हमें ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सीलरेशन, ठीक है। अब हमने तो ये माना है कि जो फ्रेम एस है, ठीक है ना, वो क्या है, हमारी इनर्शियल फ्रेम है, और अगर हम मान लें कि उसके अंदर कोई भी एक्सीलरेशन नहीं है, ठीक है, तो हमारे पास ए एक्स जीरो, ए वाई जीरो और ए जेड भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर हमने उस पर कोई भी फोर्स नहीं लगाया है, उस पर कोई भी एक्सीलरेशन नहीं है, तो ये सारी टर्म्स, ये भी पूरी क्या हो जाएगी, जीरो, ये टर्म भी क्या हो जाएगी, जीरो। ये हमारा एक स्पेशल केस है, ओके।
ये हमारा क्या है, एक स्पेशल केस है। तो ए एक्स डैश क्या मिलेगा हमें, ये दोनों ज़ीरो हो गई तो क्या बना, टू ओमेगा यू वाई डैश प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स डैश। और ए वाई डैश में भी ये ज़ीरो हो जाएगा, ये ज़ीरो हो जाएगा, बचेगा माइनस का टू ओमेगा यू एक्स डैश प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई डैश और ए जेड डैश इज इक्वल टू ज़ीरो। इसका मतलब ये है कि अगर आपकी पहली फ्रेम एस जो है वो इनर्शियल फ्रेम है उसमें, या फिर वो स्टेबल है, उसमें आपने कोई भी एक्सीलरेशन नहीं है, तब भी अगर आप दूसरी फ्रेम से ऑब्जर्व करेंगे तो आपको वो जो पार्टिकल है वो एक्सीलरेटेड दिखाई देगा, क्योंकि एक्सीलरेशन की वैल्यू डैश वाली फ्रेम में ज़ीरो नहीं है, तब भी आपको वो पार्टिकल एक्सीलरेट होता हुआ, त्वरित होता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, यानी कि जो दूसरी फ्रेम है वो आपकी रोटेटिंग फ्रेम जो है वो आपकी होती है अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। ठीक है, रोटेटिंग फ्रेम जो होती है आपकी, रोटेटिंग फ्रेम इज़ ऑलवेज नॉन इनर्शियल या फिर अजड़त्वीय। आपको डायरेक्टली ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, प्रूव दैट रोटेटिंग फ्रेम इज़ ऑलवेज नॉन इनर्शियल, तो उसको हम इस वाली चीज़ से प्रूव करेंगे। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड।